नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया और बजट को लेकर के कई ऐसे वादे किए गए, कई ऐसे दावे किए गए हैं। किसानों के हित की बात की गई है, शिक्षा में बेहतर की बात की गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब होता जा रहा था उसको सुधार की बात की गई है, बैंकों की स्थिति की सुधार की बात की गई है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो इस बार के बजट में सरकार ने सबको खुश करने के लिए कई ऐसे योजनाओं का वादा किया है, कई ऐसे लाभों का दावा किया है। लेकिन इन सब के बीच अब प्रतिक्रियाओं का दौर आने लगा है और इस बीच राजद की प्रतिक्रिया आई है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसको लेकर के दावा किया है कि मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में आर्थिक स्थिति, देश की जो बिगड़ती जा रही है, उसके बाद जीडीपी जैसे गिर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी सरकार जो कुछ कर रही है, उनके जो कुछ फैसले हैं वो सरकार को तो दिखा ही रही है लेकिन देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने कई भी ऐसे पुराने बातों का भी जिक्र किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये भी वादे उसी वादे की तरह होंगे जो कि बाकी वादों में उन्होंने किया है और उस तरीके से फेल करती हुई दिख रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो राजद की ये प्रतिक्रिया है जो सरकार के खिलाफ इशारों इशारों में है। इस बीच क्या कुछ कहा सबसे पहले बजट को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने, आइए सुनते हैं। पहले भी एक साल पहले इस सरकार का बजट हमने देखा है, आर्थिक मंदी हो गई, दुनिया भर में सभी मुल्कों से हमारा घट गया जीडीपी ग्रोथ। पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सभी से हमारा जीडीपी ग्रोथ नीचे चला गया। बेरोजगारी अलग बढ़ रही है। 2,25,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशल फंड और लेकर के इन्होंने खर्चा किया। 2,25,000 करोड़ बड़े लोगों का टैक्स इन्होंने माफ़ कर दिया, बड़ी कंपनियों का। और मंदी में कोई सुधार नहीं हुआ, 4.5 ग्रोथ लोग बता रहे हैं लेकिन असल में 2.5 ग्रोथ हो गया। ये कुछ आंकड़े का कुछ होता है, हेरा फेरी भी हो रही है। तो इसलिए आर्थिक हालत चौपट है और ये अपना प्रचार में मस्त हैं, CAA में ओझरा दिए लोगों को, कोई मतलब है? जो इस देश में अगर नागरिक 10 वर्ष रहते हैं तो हो ही जाते हैं, लेकिन झंझट खड़ा कर इन्होंने संविधान विरोधी भेदभाव वाला कानून कर दिया, ऐसे देश भर में कोलाहल मचा हुआ है। लेकिन ये तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जनता में ना ताकत होती है, आप में क्या ताकत है? जनता इनको एक मील पीछे हटा। ठीक, तो सुना आपने रघुवंश प्रसाद सिंह को, जिन्होंने बजट को लेकर के साफ तौर पे कहा है कि ये बजट सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ वादे ही रहेंगे, ये पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से इनको लेकर के उन्होंने एक और इशारे किए हैं, उन्होंने इस बार फिर से NRC और CAA को लेकर के भी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है इस काले कानून को ला करके देश के लोगों में एक अलग तरीके की स्थिति पैदा कर दी है, एक विभेद की स्थिति पैदा कर दी है, जहां लोग सरकार से नाखुश तो हैं ही लेकिन इस नए कानून का वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति बनती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।